Welcome, thank you for watching this video right now, and thank you so much for subscribing the channel, and thank you to the friends who have shared my last video. It means a lot to me. So don't get the title wrong, because it's not the Indian snacks which is lazy, it's right. So snacks ko hum hindi mein kya kehte hain? Nahi, nashta nahi kehte, to breakfast ko kya bolte hain fir? Aap ise Google mein search karna स्नैक्स इन हिंदी और नीचे कमेंट करना कि आपको उसका रिज़ल्ट क्या मिला. बहुत ही ऐसा रिज़ल्ट मिलने वाला है. तो एक आलसी इंसान के लिए सबसे पहले, जब आप नो आलस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा नहीं रहती, कभी कभार रहती है, और कभी कभार ये स्नैक्स खाने का मन भी कर जाता है, क्योंकि वैसे तो हमें हेल्दी खाना चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं स्नैक्स भी कभी कभी चल जाता है. तो स्नैक्स का सबसे पहला रूल क्या है? सिज़र. एक लेज़ी इंसान के पास सीज़र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी होता है उसे हम फाड़ते रहें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और सोना भी तो होता है. तो यू रियली नीड अ सीज़र, ताकि तो आप आराम से उसे काट सकें. तो सबसे पहले इसको तो रिव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है. मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, हम सबका फेवरेट, लिटिल हार्ट्स. सो ये लिटिल हार्ट्स क्लासिक पैकेट है, जो आप सबको ही बताओगे तो रिव्यू करने की ज़रूरत है ही नहीं. ये एक पैकेट 10 रुपीज़ का है, और ये मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है. उसके बाद मैं आपको तीन चीज़ें दिखाऊंगी जो एक सेम ब्रांड से बट अलग अलग फ्लेवर है. टू यम इसका नाम है, इस ब्रांड का नाम है टू यम, और ये इसका मिंटी पुदीना फ्लेवर है, ये इसका अचारी फ्लेवर है, और ये इसका बटर गार्लिक फ्लेवर है. तो इन तीनों में से ये बटर गार्लिक और ये पुदीना बहुत अच्छा है. हाँ, सबसे बड़ी बात, ये हेल्दी है, क्योंकि ये व्हीट थिन्स है, मतलब ये मैदा नहीं है, ये एक तरह से आपका आटे का है, मतलब आटे के थिन्स हैं मतलब आटे का जो, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ. और इसका जो अचारी फ्लेवर है उतना टेस्टी नहीं है, जैसे नाम है इसका अचारी, तो ये अचार के फ्लेवर का है. मैं आपको इसका ये दिखाती हूँ. शिट, टूट गया, वन दिन ब्रेक हो गया, पूरा ऐसा है. व्हीट थिन्स है, मतलब ये मैदे का नहीं है, आटे का है, तो आप इसे ले सकते हो आराम से. और ये बहुत अच्छा है, बहुत. हाँ, और ये 40 रुपीज़ का है. स्पेंसर्स में अभी ऑफर चल रहा था, तो एक 40 का है, तो उसमें 10 रुपीज़ ऑफ था, तो मतलब मुझे 30 रुपीज़ ईच पड़ा ये. उसके बाद ये मिलानो, अगर आपको मीठा पसंद है, और तो मीठे में अगर आप स्नैक्स, कभी आपका मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आपको सर्दी जुकाम है, आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, तो बहुत अच्छा है मिलानो. ये पार्ले का मिलानो है, और इसका प्राइस आपका 35 रुपीज़ है, 75 ग्राम्स के लिए. अब वेट का तो कुछ समझ में आता नहीं, 75 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो मैं आपको एक शॉर्ट उसमें बताती हूँ कि इस टाइप के ना ये गोल गोल हैं, अंदर इसमें चॉकलेट ही भरा हुआ है, बाहर से क्रंची सा है, वो भी बहुत टेस्टी है, मतलब बिस्किट टाइप भी नहीं है, बहुत क्रंची, मतलब इसका अंदर का बहुत ही चॉकलेटी सा है. तो इसका इसमें 6 है, इस डब्बे में 6 है, ये 35 रुपीज़ का है, और एक का साइज़ मतलब मान लीजिए जैसे आपको दिख रहा है कवर में, इतना ही बड़ा है, और काफ़ी हमें आप एज अ डेजर्ट यूज़ कर सकते हो. जैसे आपने कभी डेजर्ट नहीं बनाया, तो आप इसे एज अ स्नैक्स नहीं, एज अ डेजर्ट भी यूज़ कर सकते हो. फिर मैकविटीज़, तो जिसने अगर आपने ट्राई नहीं करा है, तो आप प्लीज़ ये ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें हाई इन फाइबर, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट फ्री, और इसका प्राइस आपका 50 रुपये का है. और 50 रुपये में ये 250 ग्राम है, ये ग्राम्स तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो डब्बा है, ये आप अगर अकेले खा रहे हो, तो आप ये 3 दिन आराम से खा सकते हो, और अगर आप फैमिली है, तो ये 4 से 5 लोग इस डब्बे को ख़त्म कर सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी है, मस्ट ट्राई. उसके बाद बात ये जेली, एप्पे लीवे का आपने ये जेली, स्ट्रॉबेरी, ये सब स्ट्रॉबेरी आपने ट्राई किया होगा, ये पुराने ये वाला, और इसके नए भी फ्लेवर आए हैं, ये है कोला बॉटल, और ये है मैंगो. मैंगो मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ कि किस तरह का है. ये मैंगो बॉटल, और ये आपका फ्रूट पल्प है, मतलब फ्रूट का पल्प है. अगर खाओ इसे आप, मतलब बहुत टेस्टी है, मस्ट पाए. और ये 25 रुपये का है, और ये बहुत टेस्टी है, बहुत. मैंने आपको कोला बॉटल देखा है, तो मैं एक बार आपको स्ट्रॉबेरी भी दिखाती हूँ.
strawberry bottle. No, sorry, वो कोला बॉटल था, स्ट्रॉबेरी नहीं, कोला बॉटल था. और मैंगो से ज़्यादा टेस्टी कोला वाला है. तो अगर आपको दोनों से कोई एक खरीदना होगा तो कोला, आपके लिए कोला बहुत टेस्टी है. उसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, नॉट नहीं लास्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट ये मैं खा चुकी हूँ. मैंने दोबारा इसलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया था. ये आपको ही पसंद आ सकता है क्योंकि मेरे भाई को और मेरी मामी को ये काफ़ी अच्छा लगा था. ये मैक्स का सिजलिंग बारबेक्यू, इससे आए हुए 6-7 महीने हो गए हैं, बट मैंने ये अभी खाया है. मुझे एक ऑरेंज लेस का भी मैंने रिव्यू देखा था, वो पता नहीं कहाँ, यहाँ लखनऊ में तो नहीं है, मे बी दिल्ली में नेक्स्ट वीक जाऊँ तो वहाँ मिल जाए. अगर आपने ऑरेंज लेस खाया तो प्लीज़ कॉमेंट करना, क्योंकि उसके मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं. और ये मैक्स सिजलर है, मुझे ये ओके ओके लगा, मतलब जब खाओगे तो अच्छा लगेगा, उसके बाद अजीब. तो मेरे लिए तो फ़िलहाल अभी तक तो लेस क्लासिक और लेस आनियन वाला, वही दोनों फ्लेवर काफ़ी अच्छे हैं, येलो पैकेट और ग्रीन पैकेट. ये उतना ख़ास नहीं है. और ये ग्राम तो छोड़ ही दो, 57 ग्राम है और इतने बड़े पैकेट में 35 रुपीज़ का है वो. और इतना सा लेस, इतना से चिप्स होंगे, तो उतना ख़ास नहीं है ये, बस इतना ही है. वैसे एप्पल भी का ये भी है, गोल्ड वाला नया आया है, ये मैंने ट्राई नहीं करा तो कांट रिव्यू, लेकिन एप्पल लीवे का है तो टेस्टी ही होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ये सब चीज़ें आप रोज़ भी मत खाओ, हफ्ते में 2-3 दिन आलस सही है, बट हेल्दी हाँ. इनमें से कुछ चीज़ें मैकविटीज़ हुआ और आपका ये वीट थिंस जो मैंने दिखाई थी, ये सब आप खा सकते हो रेगुलरली, जैसे चाय नाश्ते के टाइम या फिर ऐसे. बट बाकी चीज़ें हमेशा, हाँ स्वीट, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप डायबिटिक हो और ये सब चीज़ें ज़्यादा स्वीट अवॉइड करो. बाकी स्नैक्स खाते रहो, आलस फैलाते रहो. बाय.